हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज मेरी मदर ने कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई है और इस कोटी का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अभी से हम बनाना शुरू करते हैं। हम इस तीसरी चेन में ऐसे हुक डालेंगे और ऐसे ऐसे स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। अब हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन। तीन चेन बनाने के बाद वापस इसी में हम हुक डालेंगे और ये डबल क्रोशिया बनाया, तो इस चेन में हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए। अब हम इससे अगली वाली चेन में हुक डालेंगे इस अगली में भी हमने डबल क्रोशिया बनाया। हर एक चेन में हम ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले ऐसे बल लेंगे, ये दो में से निकालेंगे, फिर दो में से, ये हमारे इस तरह से डबल क्रोशिया बनता। हम हर एक चेन में दो बार क्रोशिया बना रहे हैं और ये राउंड हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। ये राउंड मेरा कंप्लीट हुआ। अभी से मैं ऐसे तीसरी चेन में ये हुक डालूंगी अपना। और ये स्लिप स्टिच के साथ इस तरीके से जॉइंट करूंगी, एक दो तीन। तीन चेन लेने के बाद वापस हुक इसी में डालना है और यहीं हमें एक क्रोशिया और बनाना। ये हमारे यहाँ दो क्रोशिया हो गए। अब हम इससे अगली चेन में एक क्रोशिया बनाएंगे। इससे अगली चेन में भी हम एक क्रोशिया बनाएंगे। अब इस अगली चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है दो बार। इसमें हम दो बार क्रोशिया बनाएंगे। अब दो चेन में हम एक एक क्रोशिया बनाएंगे। इससे अगली चेन में हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये फर्स्ट में हमने दो बनाए, फिर इन दो चैनल में एक एक बनाया, फिर डबल बनाया, फिर एक एक बनाया, फिर डबल बनाया। ये राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ और ये हम ऐसे तीसरी चैन में हुक डालकर ये स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे, एक दो तीन। तीन चैन बनाने के बाद वापिस हम इसी चैन में हुक डालेंगे और एक क्रोशिया और बनाएंगे। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। ये यहाँ हम ऐसे डालेंगे हुक, ऐसे ऐसे जॉइंट करेंगे। पहले ऐसे लेके फिर इससे अगली चेन में एक दो ये दो तीन क्रोशिया बनाए हमने। अब हम सफेद चलाएंगे तो हम ये धागे ऐसे इसमें मिला लेंगे चैन के साथ। और पहले ये हम ऐसे लेंगे। अब हम आगे क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ एक ही चैन में दो बार क्रोशिया बनाएंगे। अब इससे अगली चैन में फिर हमें ये वाला कलर जॉइंट करना, ऐसे जॉइंट करना। एक दो अब ये फिर हम सफेद बनाएंगे। तो ये जो हमारा कलर है इसे हम ऐसे कर लेंगे। और ये इसमें से पहले हम इन दो का एक बनाएंगे यहाँ और अब हम आगे क्रोशिया बनाएंगे। अब इसमें हमें यहाँ एक ही चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। हमें ये ऐसे नहीं बनाना है, पहले इसमें यहाँ लिखाड़ना।
अब हम एक एक चैन में 3 क्रोशिए बनाएंगे। ये ऐसे लेना है। अब 3 चैनल में से 3 चैनल में हमें एक एक क्रोशिया करके बनाना है। ये हमारा बैक साइड है, उल्टी साइड, और ये हमारी राइट साइड है, और ये कुछ हमारा इस तरह से दिखेगा। ये हम 2 क्रोशिए सफ़ेद के ले रहे हैं और बीच में 3 क्रोशिए सिंगल एक एक क्रोशिया करके ले रहे हैं। ये हम 3 रानी कलर के ले रहे हैं और ये राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। अब हम इस राउंड के एंड में आ गए। ये ऐसे हम यहाँ निकाड़ेंगे पहले, फिर अब एक, दो, तीन, और इसमें ये हम चेन का इस्तेमाल नहीं कर रहे। चेन में डालेंगे तो हम यहाँ डालेंगे, और इसमें हमने चेन में यहाँ क्रोशिया ले लिया। अब इसमें हम यहाँ इस जगह हुक डालेंगे, क्रोशिए में ही, चेन में। ये यहाँ हम पहले स्लिप स्टिच से ऐसे जॉइंट करेंगे, एक, दो, तीन। 3 चैन लेने के बाद वापिस हम हुक यहीं डालेंगे और 2 क्रोशिए बनाएंगे। फिर इससे अगली चैन में हम 1 क्रोशिया बनाएंगे और ये हम यहाँ ऐसे, इसे ऐसे नहीं बनाएंगे, ये ऐसे ही बनाएंगे बस। अब हम ये सफ़ेद धागा चलाएंगे, ये ऐसे बना के। अब हम 3 चैनन में एक ही क्रोशिया सफेद का बनाएंगे। पहले हम 2 क्रोशिए एक चैन में डबल क्रोशिए बनाएंगे। इससे अगली वाली चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये अब हमारे 3 क्रोशिए बनने हैं रानी कलर वाले। ये अब हम धागा एक, दो, ये है हमारा डबल क्रोशिया एक चैन में 2 बार। इससे अगली चैन में सिंगल क्रोशिया। ये राउंड हमारा इस तरीके से बनेगा। फर्स्ट चैन में हमारे 2 क्रोशिए, फिर 4 चैनन में एक एक क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। जैसे पहली चैन में हमारे हर एक चैन में हमने डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चैन में डबल और 2 में सिंगल, फिर एक में डबल और 3 में सिंगल, इसमें एक में डबल और 4 में सिंगल। ये राउंड हमारा ऐसे ही कंप्लीट होगा। ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया, एक, दो, तीन। अब मुझे इसमें यही हुक डाल के 1 क्रोशिया और बनाना है, एक, दो। पहली बार मेरे सिंगल क्रोशिए 4 है, अब के 5 हो जाएंगे, 3, 4, 5। इस राउंड में मेरे 2 है, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। 5 सिंगल क्रोशिए, 5 पे मैं के बाद में फिर छठे में डबल क्रोशिया बना रही हूँ।
अब मैं सिंगल बनाऊंगी, एक दो तीन चार पांच, अब इसमें डबल, और ये राउंड में ऐसी कंप्लीट करूंगी। ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया, स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करके। एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद अब हर एक चैन में सु मुझे एक एक क्रोशिया बनाते हुए ये अपना राउंड कंप्लीट करना। अब मैं कोई क्रोशिया बढ़ाऊंगी नहीं, हर एक चैन में से मुझे एक एक क्रोशिया बनाना। ये राउंड मेरा कंप्लीट हुआ। ये यहाँ पहले मैं ऐसे स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूंगी, और मैं यहाँ इसमें अगली चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, हाफ या हाफ क्रोशिया बना के। एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद दो चैन मुझे छोड़नी है, तीसरी चैन में हाफ क्रोशिया बनाना। एक दो तीन, एक दो, दो चैन छोड़ने के बाद तीसरी चैन में मुझे हाफ क्रोशिया के साथ ये जॉइंट करनी है। एक दो तीन, एक दो, दो चैन छोड़ने के बाद हर तीसरी चैन में मुझे ये जॉइंट करते हुए ये अपना ऐसी राउंड कंप्लीट करना। ये राउंड मेरा कंप्लीट हुआ। एक दो तीन, एक दो तीन, यहाँ लास्ट में मेरी एक ही चैन बची है। एक दो तीन, ये अगर आपका टाइट होने लग जाए तो चार चैन भी कर सकते हैं। मैंने तीन चैन करके बनाई है, ये यहाँ मेरी एक ही चैन बची है। ये ऐसे एक चैन लेने के बाद ये मुझे एक हॉल छोड़ना है, और इस दूसरे हॉल में एक चैन, एक क्रोशिया, एक चैन, एक क्रोशिया, एक चैन, एक क्रोशिया। मैंने ये यहाँ सात क्रोशिए बनाए। अब ये एक होल छोड़ूंगी, और इसमें यहाँ बीच में इस जगह इसे जॉइंट करूंगी स्लिप स्टिच के साथ। फिर एक चैन बनाऊंगी। ये मैंने सात क्रोशिए बनाए, और इनके हर एक के बीच में एक एक चैन बनाइए। अब ये होल छोड़ के, जैसे एक होल ये छोड़ा, एक ये छोड़ दिया, अब इस वाले होल में मुझे ऐसे एक क्रोशिया बनाना, फिर एक चैन बनानी है, फिर क्रोशिया बनाना, फिर चैन, फिर क्रोशिया, चैन, क्रोशिया, चैन, क्रोशिया, ये एक होल छोड़कर इसमें मुझे यहाँ जॉइंट करना स्लिप स्टिच के साथ। और फिर ये एक होल छोड़कर इस वाले होल में मुझे बनाना, एक चेन बनानी है पहले। ये इसी तरह से मुझे अपना राउंड कंप्लीट करना, एक चेन और एक क्रोशिया बनाते हुए। इसमें मैंने सात सात क्रोशिया बनाए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात क्रोशिया हैं, और इनके सबके बीच में एक एक चेन है। ये राउंड में ऐसे ही कंप्लीट कर, ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। ये मैंने हर एक में सात क्रोशिए बनाए, और सबके बीच में एक एक चैन बनाई है।
सबका बनाने का तरीका यही रहेगा। अब ये धागा मैं यहाँ कट कर दूंगी, वैसे हुक डालेंगे हैं और ये अपनी इस तरीके से लूप बनाएंगे, लूप बना के और ये यहाँ ऐसे स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। अब हर एक क्रोशिये में से पहले ये यहाँ एक चेन लेंगे और अब यहाँ पहले एक ऐसे हाफ क्रोशिया, एक दो तीन, तीन चेन लेने के बाद फिर हाफ क्रोशिया इसी जगह लेना, फिर अगले वाले में हाफ क्रोशिया लेना, पहले एक दो तीन, तीन चेन लेने के बाद फिर वापस यहीं क्रोशिया लेना। अब इससे अगले वाले में पहले हाफ क्रोशिया लेना, ऐसे हाफ क्रोशिया लेके एक दो तीन, तीन चेन लेके फिर वापस यहीं हाफ क्रोशिया बनाना। फिर इससे अगले वाले में पहले हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन चेन बनाएंगे, फिर वापस हाफ क्रोशिया ही बनाएंगे। फिर इससे अगले वाले में पहले हाफ क्रोशिया, फिर तीन चेन, फिर हाफ क्रोशिया अगले में, एक दो, एक चेन लेके और इसमें यहाँ ऐसे जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच के साथ, फिर एक चेन बनाएंगे, इससे अगले वाले में पहले एक हाफ क्रोशिया, फिर एक हाफ क्रोशिया बना के, फिर इससे अगले वाले में हाफ क्रोशिया, फिर तीन चेन, फिर वापस हाफ क्रोशिया, फिर पहले से अगले वाले में जैसे हमने यहाँ ये हाफ क्रोशिया बनाया, फिर अब हम यहाँ तीन चेन बनाएंगे, फिर वापस यहीं हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे अगले में हम पहले हाफ क्रोशिया, फिर तीन चेन, फिर हाफ क्रोशिया अगले में, एक दो तीन, तीन फिर चेन, फिर इससे अगले में पहले हाफ क्रोशिया, तीन चेन, हाफ क्रोशिया, इसमें हम यहाँ स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। फिर इससे अगले वाले में पहले हाफ क्रोशिया, फिर तीन चेन, एक दो तीन, तीन चेन बना के फिर वापस हाफ क्रोशिया, फिर इससे अगले में पहले हाफ क्रोशिया, फिर तीन चेन बना के फिर वापस वहीं हाफ क्रोशिया, फिर इससे अगले में पहले हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन चेन बनाएंगे, फिर वापस यहीं हाफ क्रोशिया बनाएंगे और ये अपना राउंड ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। ये यहाँ तो तीन चेन बना के फिर वापस मुझे यहीं लेना और ये मैंने क्रोशिया के बीच में लिया, क्रोशिया के लास्ट में नहीं लिया। अब इसमें मुझे यहाँ ऐसे स्लिप स्टिच हाफ क्रोशिया से जॉइंट करना। अब इसमें नहीं लेती, मैं क्रोशिया से पहले नहीं लेती, क्रोशिया के बाद लेती हूँ। अब यहाँ हाफ क्रोशिया, तीन चेन, फिर वापस यहीं क्रोशिया, फिर अगले में पहले हाफ क्रोशिया, एक दो तीन, तीन चेन लेके फिर वापस हाफ क्रोशिया यहीं, फिर इससे पहले अगले में हाफ क्रोशिया, एक दो तीन, तीन चेन लेके फिर वापस यहीं पे क्रोशिया, फिर पहले अगले में हाफ क्रोशिया, एक दो तीन, फिर वापस यहीं क्रोशिया, फिर पहले अगले में हाफ क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन बना के फिर वापस यहीं हाफ क्रोशिया बनाएंगे, पहले हाफ क्रोशिया बनाएंगे अगले में, फिर तीन चेन और फिर वापस क्रोशिया बना के अब ये यहाँ स्लिप स्टिच में ऐसे जॉइंट करके अब ये यहाँ मुझे धागा कट कर देना।
धागा कट करने के बाद ये नॉट लगा देनी है और ये चाप सुई की सहायता से या क्रोशिए की मदद से इन्हें ऐसे अंदर कर देना। ये राउंड मेरा कंप्लीट हुआ। ये टोटल मैंने 12 नंबर के क्रोशिए से बनाया। अब मैं इसमें ये ऊपर जो किनारी बनाई है इसमें 1.75 mm का क्रोशिया लिया। नंबर में बोलें तो ये 13 नंबर का क्रोशिया। यहाँ पहले इस जगह इसमें हमने ऐसे हुक डाला और ये इस तरह से अपनी पहले यहाँ लूप बनाएंगे और लूप बना के फिर वापस यहाँ एक स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। जिसमें हमने पिछला हाफ क्रोशिया बनाया पहले हम उसी में बनाएंगे एक हाफ क्रोशिया। अब दो चैन फिर वापस उसी चैन में बनाएंगे फिर एक चैन हम छोड़ेंगे उससे अगली में पहले हाफ क्रोशिया फिर दो चैन फिर वापस उसी में हाफ क्रोशिया बनाएंगे फिर एक चैन छोड़ के इससे अगली वाली चैन में पहले हाफ क्रोशिया दो चैन फिर वापस हाफ क्रोशिया फिर एक चैन छोड़ने के बाद फिर अगली चैन में पहले हाफ क्रोशिया दो चैन बनाएंगे फिर वापस हाफ क्रोशिया वहीं पर बनाएंगे फिर यह चैन छोड़ के जिसमें हमने ये अगला क्रोशिया बनाया अभी हमारी वो चैन आ गई उसमें भी हमें जाके पहले हाफ क्रोशिया बनाना फिर दो चैन बना के फिर वापस यहीं हाफ क्रोशिया बना के और जहां हमने ये लूप बनाई ही जॉइंट किया है इसमें ही हमें यहाँ आके इसे जॉइंट करना। स्लिप स्टिच के साथ ये ऐसे जॉइंट करके अब यहाँ हम अपना धागा कट करेंगे। धागा कट करके इसे ऐसे पलटेंगे पलट के फिर यहाँ नोट लगाएंगे नोट लगाने के बाद फिर हमें ये इसमें ऐसे हुक डालना और ये धागे ऐसे लेके इस तरीके से निकाड़ के कट कर देने। अब ये ड्रेस हमारी बनके कंप्लीट है।